हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आज दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को बधाई। और आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पर मैं आपको कुछ खेती बाड़ी दिखाऊंगा, और वो खेती बाड़ी आधुनिक तरीके से की जा रही है वह दिखाऊंगा। और आपने एक ऐसे फ्रूट का नाम शायद सुना होगा जिसका नाम अभी नहीं बताऊंगा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बताऊंगा मैं जब उस खेत में पहुंचूंगा, तब आपको दिखाऊंगा कि ये स्पेशल क्यों है, और आने वाले समय में इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि आप खेती बाड़ी में या खेती में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तब तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। यदि नहीं रखते हैं तो भी आपको हमारी ये जो यात्रा का जो ब्लॉग है वो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ अच्छा हम दिखाने जा रहे हैं। तो बहरहाल अभी मैं घर पर हूँ और यहाँ से निकल रहा हूँ, सावनेर जाऊँगा। सावनेर से बताया जाता है कि 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर वह खेत है जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ सावनेर, मतलब मैं सोसर में हूँ, और सोसर से निकलता हूँ अभी सावनेर के लिए। कुछ दोस्त मिलेंगे, दोस्तों के साथ हम आज कुछ बातचीत करेंगे, कुछ एक छोटी सी एक मीटिंग है, वो मीटिंग कैसी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस समय मैं जहां आपको बता रहा था वहां पहुंच चुका हूं, और ये जगह कौन सी है? खापा। खापा जो कि महाराष्ट्र में है। और यहां पर मैं जो खेती आपको दिखाना चाह रहा था वो कौन सी खेती है वो आपको मैं अब आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। जो वो किसान हैं, दरअसल में वो किसान तो हैं, लेकिन उसके पहले एक टेक्सटाइल इंजीनियर हैं जो कि रेमंड जैसी प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कंपनी में एक ज़बरदस्त एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, और वो एक कृषक के रूप में आपको नज़र आ रहे हैं। और इसी जिस खेत में हमें, उस खेत के वो मालिक हैं और ड्रैगन फ्रूट की वो खेती करते हैं। आइए मैं उनसे थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा। और ये ड्रैगन फ्रूट की यहाँ खेती कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर ये जो खेती है कितने एकड़ में आप कर रहे हैं? ये 2.25 एकड़ में है। ये हमारा 3 एकड़ का प्लॉट है, तो इसमें 2.25 एकड़ में हमने ये प्लांटेशन किया हुआ है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें जो ड्रैगन फ्रूट है उसके फ़ायदे क्या होते हैं, वे उसको सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है? एक्चुअली इसमें मेडिसिन वैल्यू ज़्यादा है, इसमें इसका यूज अपना प्लेटलेट डेंगू जैसे बीमारियों में अच्छे होता है, और उसके अलावा कैंसर, शुगर, स्किन के लिए इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है। और 8 घंटे का आपका जॉब है, और आप जहाँ रहते हैं नागपुर में, वहाँ से जब आप अपनी कंपनी से निकलते हैं शाम को 6 बजे, तो पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ समय कैसे मिलता है कि आप खेती बाड़ी कर लें? एक्चुअली मैं सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ घर से, एक चक्कर इधर हो जाता है, आधा घंटा मैं इधर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर ऑफिस के लिए हमारा एक बस स्टैंड है, रेमंड की बस आती है वहाँ पे, वागोड़ा नाग मंदिर सावनेर, तो वहाँ पे मैं यहाँ से 7:30 बजे निकलता हूँ, 7:50 को मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, 7:50 को बस रहती है, बस में बैठ के फिर 6 बजे फिर वापस सावनेर पहुँचता हूँ, और सावनेर से फिर इधर एक राउंड मार के फिर 8 बजे यहाँ से निकलता हूँ, 7:30-8 बजे निकलता हूँ यहाँ से। मतलब आप इतने परिश्रम कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें भी कृषि पर ध्यान देना चाहिए?
हाँ, अभी तो मैक्सिमम लोग भी, कारपोरेट भी आ गया है इसमें अभी एग्रीकल्चर में, तो काफ़ी सारा मतलब आने वाला जो समय है वो इसी का रहेगा जो पहले था। चलिए गौतम सर, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये गौतम जनबंधु थे और इनके खेत में आज आया हूँ मैंने, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी मिली। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर मुझे ये देखने को मिला कि लोग कृषि को जो है कहीं ना कहीं पारंपरिक व्यवसाय समझते थे और उस व्यवसाय में उतनी रुचि नहीं रखते थे। आज कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों का नज़रिया बदल रहा है। जैसे कि गौतम जनबंधु जी हैं, वो एक टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, एक देश की जानी मानी जो बहुत पुरानी कंपनी है, 1925 की टेक्सटाइल कंपनी है, पूरे देश के अंदर में उसका नाम है, और बहुत ज़्यादा उसके जो कपड़े हैं विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं, विदेशी रेमंड कंपनी का जो कपड़े हैं काफ़ी पसंद करते हैं। बहरहाल, मैं रेमंड कंपनी की यहाँ मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आया था इस स्पेशल खेती को देखने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम गौतम सर से बात करेंगे और उसकी सारी जानकारी आप तक देंगे। और यदि आप इसके संबंध में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा एक वीडियो है, ऊपर जो लिंक दी गई है उस पर हमने एक वीडियो उनसे इंटरव्यू लिया है, काफ़ी विस्तृत चर्चा की है, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारा ये जो ब्लॉग है यहीं ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।